press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे घर के सोलर पैनल लगे हुए हैं। आज हम एक सोलर पैनल उतार कर उसकी कारकर्दगी चेक करने वाले हैं, क्या उसकी कारकर्दगी में कोई फ़र्क आया या नहीं। तकरीबन इन सोलर पैनल को लगे हुए 4 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो के एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमने यहाँ पर सोलर पैनल को उतार लिया है और ये सोलर पैनल जो है प्रोस्टार कंपनी का है। ये 150 वाट का सोलर पैनल है और इसकी जो क्लास है आप यहाँ पर देखें तो ये ए क्लास है और इसके जो सेल हैं वो जर्मनी के सेल हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी पूरी डिटेल है। तो आज हम सोलर पैनल के वोल्टेज और इसके एम्पेयर चेक करेंगे कि क्या वाकई ही कोई कारकर्दगी में फ़र्क आया है इतने सालों के बाद, या सेम टू सेम ही ये चल रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं दोस्तों, ये जब हमने सोलर पैनल लिया था ये 12,000 से ऊपर की प्राइस से हमने लिया था उस टाइम। तो इसको 4 साल से ऊपर हो गए हैं लिए हुए और ये ए क्लास में है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये ए क्लास में है, अच्छे वाला सोलर पैनल है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं ये प्रो स्टार कंपनी का है। तो मैं आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ इसका। दोस्तों, ये इसका फ्रंट है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो अभी हमने इसको उतारा है, हम इसको ऐसे भी चेक करेंगे और उसके बाद इसकी सफाई करके फिर इसको दोबारा चेक करेंगे। लेकिन ये बात तो पक्की है ना कि जब हम इसकी सफाई करेंगे कारकर्दगी में इजाफा तो ज़रूर होगा, लेकिन हम ऐसे भी चेक करेंगे और साफ करने के बाद भी चेक करेंगे। और अभी हम टेम्परेचर देख लेते हैं कि हमारा इधर का टेम्परेचर कितना हो चुका है। और अभी जो टाइम है दोस्तों वो तकरीबन 10 बजकर कुछ मिनट हो चुके हैं, 10 से ऊपर का टाइम यानी कि हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम उसी मल्टीमीटर से टेम्परेचर पहले देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा कितना है यहाँ का। जी दोस्तों, हमारा यहाँ का जो टेम्परेचर है रूम का वो 37 है, क्योंकि अभी मैं रूम में हूँ तो इसीलिए 37 है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, बाहर जाकर टेम्परेचर चेक करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो मैं आ गया हूँ बाहर, हम यहाँ रख देते हैं क्लंप मीटर को इस चारपाई पर और देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो जी देखें, 39 टेम्परेचर हो चुका है इसका, 38, 39। तो इस क्लंप मीटर से ये भी पता चल सकता है कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो बहुत फ़ायदा है इस क्लंप मीटर का, क्योंकि अभी हमें पता चल जाएगा कि इतना टेम्परेचर था तो हमारे पैनल की कारकर्दगी ये है। देखें, अभी 38 है, 38, 39 तक जा रहा है टेम्परेचर हमारा। जी दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैंने वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर डीसी वोल्टेज है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू चेक करने के लिए तो वो मैंने 0 कर दिया है। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों, ये वाली हमारी पॉजिटिव है और ये वाली हमारी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पर हम पॉजिटिव की वायर लगाएंगे और नेगेटिव पर हम नेगेटिव वाली वायर लगाएंगे। दोस्तों, मैंने दोनों वायरें लगा दी हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 10 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। और ये दोनों वायरें लगी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके एम्पेयर भी चेक कर लेते हैं। तो एम्पेयर के लिए दोस्तों हम मीटर को सिलेक्ट करेंगे एम्पेयर पर। तो ये हमारे एम्पेयर हैं डीसी, तो यहाँ हम इसको 0 कर देंगे तो ये 0 हो गया है। तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, एम्पेयर चेक करने के लिए इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद क्लैंप मीटर इनमें डालना है। तो जैसे ही हम क्लैंप मीटर डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सोलर पैनल कितने एम्पेयर दे रहा है। तो अभी एम्पेयर जो हैं वो 0 हैं, कोई एम्पेयर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी ये जो पैनल पड़ा हुआ है ये रूम में है
तो इस पैनल को हम बाहर लेके जाएंगे, बाहर जाके रखेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे एम्पेयर भी और वोल्टेज भी के बाहर कितने एम्पेयर हमें मिल रहे हैं और वोल्टेज हमें कितने मिल रहे हैं। तो चलिए हम इस पैनल को बाहर लेके चलते हैं। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर बाहर पैनल को रख दिया है। ये चारपाई है, चारपाई के ऊपर मैंने इस पोजीशन में रख दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे सर के ऊपर सूरज है। तो ये हमारा पैनल है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं और एम्पीयर वगैरह चेक करते हैं। तो तारें मैंने नीचे कर दी हैं। ये चारपाई जो है ये लोहे की है, तो इसीलिए तो इसको मैं इधर रखता हूँ कैमरे को। जी दोस्तों, क्लैंप मीटर को मैंने वोल्टेज के ऊपर कर दिया है। तो अभी हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हम नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा देंगे और पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ लगाएंगे। जी आप देख लें, 18.76 इसके वोल्टेज आ रहे हैं, हमें डीसी वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहे हैं, क्योंकि 18 तक आपको वोल्टेज मिलने चाहिए। तो 18.74 हमें वोल्टेज इसके मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम एम्पीयर चेक कर लेते हैं। वोल्टेज तो हमारे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं और अभी हम इसके एम्पीयर चेक करेंगे। तो एम्पीयर चेक करने के लिए यहाँ पर एक वायर को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ से मैं मीटर को कर लूँगा एम्पीयर पर और यहाँ हम ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ पर डीसी है और ये वाली जो दोनों वायरें हैं इनको मैं आपस में जोड़ूंगा। वैसे भी देखें करंट अभी पैदा हो रहा है, तो मैं इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि हमें क्या एम्पीयर मिल रहे हैं। जी दोस्तों, हमें जो एम्पीयर इसने मिल रहे हैं वो है 2.86। तो हमें एम्पीयर बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तार है वो यहाँ से ख़राब हो चुकी है। ये देखें, ये वाली हमारी तार ख़राब हो गई है। ये देख रहे हैं आप, तार अंदर से गल गई है और यहाँ से भी टूट गई है। तो इसी तरह पैनलों की कारकर्दगी है वो कम हो जाती है। अभी हम चेक करते हैं इसे। जी अभी भी हमें 2.86 ही हमें एम्पेयर मिल रहे हैं, तो बहुत कम है एम्पेयर, अभी हमें सही नहीं मिल रहे। तो हम दोबारा चेक करते हैं इसको, ये वाली तार भी उतार कर। जी दोस्तों, पैनल को मैं अंदर ले आया हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो इसीलिए अभी इसकी जो वायरें हैं वो चेक करते हैं और हमें जो वोल्टेज हैं वो पूरे ही मिल रहे हैं, लेकिन जो एम्पेयर हैं वो हमें बहुत कम मिल रहे हैं। तो एम्पेयर अगर आप यहाँ पर देखें 8.36 है और वोल्टेज जो हमारे वो हैं 18 हैं, तो वो वोल्टेज तो ठीक है, एम्पेयर ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी हम इसका ऊपर वाला जो बक्सा है वो उतारते हैं, बक्स खोल के देखते हैं क्या मसला है और ये वायर वगैरह को भी हम चेक करते हैं। जी ये बक्स मैंने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर देखें तो हमारे 6 जो हैं वो डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर जो हमारी वायरें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जो वायरें हैं अंदर से ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको चेंज करेंगे और हम इनको चेंज करने के बाद ही हमें पता चलेगा। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं लगा के हमारे जो एम्पेयर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डायरेक्ट ये तार और उसके बाद फिर चेक कर लेते हैं एम्पेयर अपने और उसके बाद फिर हम इसकी वायर चेंज कर लेंगे। बाकी के ये वाले जो टांके हैं वो बिल्कुल सही लगे हुए हैं, क्योंकि धूप में अक्सर ये वाले जो टांके हैं ये उखड़ जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये वाले टांके जो हैं, अगर आपके पैनल की भी कारकर्दगी कम हो गई हो, अगर उसके वोल्टेज या एम्पेयर उसके कम हो गए हैं, तो समझ लें कि ये वाली जो वायरें हैं या यहाँ से कुछ ना कुछ आपका टांका वगैरह उखड़ गया है, तो आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी। तो चलिए अब हम तारें यहाँ पर लगा देते हैं डायरेक्ट, फिर इसको धूप में रख के फिर हम चेक करते हैं। मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे कैमरा पकड़ना होता है तो बड़ी मुश्किल होती है, तो साथ में कैमरा पकड़ के मैं नहीं दिखा सकता। जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये वायरें लगा दी हैं, ये टेम्परेरी वायरें हैं, अभी यहाँ पर टांका वगैरह नहीं लगाया, तो ये वैसे ही मैंने मरोड़ी दे के यहाँ पर लगा दी हैं। तो ये जो वायर मैंने लगाई है ये है 2.5 mm की, ये वाली वायर है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इसके कनेक्टर हैं वो 19 हैं,
ये 2.5 mm की वायर है, दोनों ही मैंने ब्लैक लगा दी हैं इस तरफ और इस तरफ। ये हमारी पॉजिटिव है और ये हमारी नेगेटिव है। तो अभी पैनल को मैं फिर धूप में रखता हूँ, तो फिर देखते हैं। यहाँ पर आप अम्पेयर देख लें, 8.36 अम्पेयर हैं, इतने अम्पेयर हमें मिलने चाहिए। ज़रा मैं फोकस करता हूँ जी, ये वाले जो हैं 8.36, इतने अम्पेयर हमें आने चाहिए। देखते हैं कितने अम्पेयर हमें मिलते हैं। तो अभी पैनल को मैं बाहर रखता हूँ और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं। जी दोस्तों, पैनल मैंने बाहर रख दिया है और मैंने मीटर भी लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ जो हमारे एम्पेयर आ रहे हैं 2.47 इस तरह कुछ आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर जोड़ लगे हुए हैं, ये देखें, ये दोनों तारों को मैंने आपस में ज्वाइन किया हुआ है और ये हमारे एम्पेयर हैं, लेकिन अभी भी ठीक नहीं आ रहे। तो अभी इस पैनल को हम साफ़ करते हैं एक बार, फिर देखते हैं इसकी कारकर्दगी क्या है। पहले मैं पैनल को साफ़ कर लूँ एक बार। जी दोस्तों, अभी पैनल को मैंने साफ़ कर दिया है, धो दिया है पैनल को मैंने पानी के साथ। देखें अभी पैनल की लुक, ये हमारा मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है, ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अभी हम इसकी कारकर्दगी चेक करते हैं। अभी मैं लगाता हूँ वायरें और इसके हम अम्पेयर चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे अम्पेयर जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे। तो हम दोबारा से चेक करते हैं इसके अम्पेयर। तो मैं तारों को जोड़ के मीटर लगा लूँ। जी दोस्तों, हमारे जो अभी एम्पेयर आ रहे हैं वो आप देखें 7.4 आ रहे हैं। ये क्योंकि पैनल की इतनी ज़्यादा कारकर्दगी हो गई है सिर्फ पैनल को साफ़ करने से, ठीक है। और एक ये कि हमारी जो वायर है वो भी ठीक नहीं है, और जो दूसरी वायरें मैंने ये वाली लगाई हैं इनमें भी मसला है, क्योंकि वो लूज़ हैं तो इनको टांका लगाना पड़ेगा पहले कली के साथ, काबिया के साथ, यानी हम इसको टांका पक्का करके लगाएंगे फिर हम चेक कर सकते हैं। तो अभी देखें इसके जो एम्पेयर आ रहे हैं 7.4 आ रहे हैं, तो हमें एम्पेयर चाहिए थे 8.3। तो फिर भी ठीक है इस पैनल की कारकर्दगी अभी तक, ये 4 साल से ऊपर हो गए हैं। तो अभी इसकी अगर मैं वायरिंग ये वाली चेंज करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये भी। जी दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस पैनल को साफ़ करने के बाद चेक किया तो हमारा रिज़ल्ट कितना इंक्रीज़ हो गया था। तो इसी तरह आप अपने पैनलों को साफ़ करें और हर महीने में तकरीबन एक दो बार, या कोशिश करें कि अगर आप महीने में एक बार साफ़ कर सकते हैं तो आप लाजमी साफ़ करें। अगर आप जितना भी साफ़ कर सकते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा सोलर पैनल है, देखें मोनोक्रिस्टलाइन, और इसके जो सेल हैं वो आप देख लें बिल्कुल कितने क्लियर और साफ़ हैं। अगर मैं जूम करूँ यहाँ पर तो देखें, नहीं तो मैं अक्सर यानी कि बाज़ार में देखता हूँ पैनल जो अभी मार्केट में आ रहे हैं वो बहुत, उनकी जो बनावट होती है वो बड़ी गंदी सी होती है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो क्रैश हो रहे होते हैं। तो ये एक नंबर सेल हैं, अच्छे वाले सेल ये सोलर पैनल जो हमने लगाए हुए हैं, और इनकी कारकर्दगी अभी आपने देख ली है, ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये 4 साल से ऊपर का अरसा हो चुका है। तो दोस्तों, जो इनकी वायरें ख़राब हो जाती हैं वो मैंने पहले भी बताया था, तो हमारी एक वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वायरें अक्सर ख़राब हो जाती हैं क्योंकि जो कंपनी होती है वो इतनी अच्छी वायर नहीं लगाती। तो अगर आपको अच्छी कारकर्दगी चाहिए तो आप अपनी वायरें चेंज कर लें। बेशक अगर आपने नए पैनल लगाए हैं तो आप नए पैनल में भी अपनी वायरें चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यानी अच्छी वाली जो वायरें हैं वो आप ले कर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप अपने पैनल को भी देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो देखें, मैंने इसको किया है और इसकी कारकर्दगी बढ़ गई है, क्योंकि
ये पैनल ऊपर लगे हुए थे, इनको साफ अभी तक नहीं किया था, और साफ ना करने की वजह से हमें जो है वो करंट और हमें जो वोल्टेज थे, वोल्टेज तो हमें बिल्कुल पूरे मिल रहे थे, करंट जो हमें है वो पूरा नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। तो जब करंट पूरा नहीं मिलेगा तो समझ लें कुछ भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप भी अपने पैनल की सफाई लाजमी रखें, और इनकी वायरें वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पैनल का कोई मसला है, अगर वो करंट नहीं दे रहा, तो आप उनकी वायरें चेक करें, मीटर डायरेक्ट लगा के पीछे से बक्स खोल के डायरेक्ट आप वायरें लगा लें, चेक कर लें, या आपकी कोई वायर वगैरह ख़राब होगी, कोई ना कोई मसला होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जकरिया रेडियो चैनल, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh